दोस्तों यहाँ पे रिलायंस पावर के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5% की गिरावट आप लोगों को आज के दिन देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले 6 महीने या फिर एटलीस्ट 1 ईयर के लिए दोस्तों अगर आप होल्ड करते हैं, उसमें आप लोगों को क्या ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है, क्या रिटर्न प्रोवाइड करता है दोस्तों, इस बारे में बात करेंगे। और क्या ये आने वाले समय में आप लोगों को एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होता हुआ नजर आएगा दोस्तों, ये इस चीज़ के बारे में डिटेल में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कंपनी को यहाँ पे फंडामेंटली देखेंगे। देखिए कंपनी में भले ही आप लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे 12 तारीख को आप लोगों को ऑलमोस्ट 5% की गिरावट के बाद भी यहाँ पे 43% का यहाँ पे दोस्तों डिलीवरी उठाई गई, 15.19 करोड़ का यहाँ पे दोस्तों डिलीवरी उठाई गई। और वहीं पे 5 दिन के एवरेज की बात कर ली जाए तो 50% यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट 50% अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे डिलीवरी उठाती हुई नजर आ रहा है इस स्टॉक में। तो कहीं ना कहीं रिलायंस पावर में लोगों का ये मानना है कि आने वाले समय में आप लोगों को भयंकर तेजी के संकेत देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इतनी तगड़ी यहाँ पे डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली जाए कंपनी के मार्केट कैप की। देखिए मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इसका, रिलायंस पावर का। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये रिलायंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भरोसा यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। देखिए नो डाउट कंपनी में बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे फॉल्ट देखने को मिल सकती है, इसीलिए आप लोगों का इसका प्राइस आप लोगों को 6-7 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी NSE में 6.95 पैसे के आसपास चल रही है, ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ का ये स्टॉक आप लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए 7 रुपए होने का वजह ही यही है कि दोस्तों देखो कंपनी में आप लोगों को थोड़ी बहुत गड़बड़ी देखने को जरूर मिली है, इसी वजह से आप लोगों को ये स्टॉक में 7 रुपए का देखने को मिल रहा है। लेकिन इन फ्यूचर क्या ये कंपनी अच्छा करेगी, और अच्छा करेगी तो डेफिनेटली आप लोगों को स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। तो चलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या रिजल्ट रहा है। देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पे बात कर ली जाए सेल्स के मामले में, तो यहाँ पे मार्च 2021 के अंदर अगर इन्होंने क्वार्टर फोर के अंदर जो यहाँ पे सेल जनरेट की दोस्तों 1,655 करोड़ का नेट सेल जनरेट किया। दिसंबर 2020 की बात कर ली जाए 1,897, 2,449 सितंबर 2020। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को जून 2018 से लेके मार्च 2021 तक यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट आप लोगों को 2,000 करोड़ की यहाँ पे सेल्स आप लोगों को जनरेट करते हुए नजर आ रही है। और एक्सपेंसेस के मामले में यहाँ पे बात कर ली जाए तो आप देखिए 1655 करोड़ के बाद 803 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 1100 करोड़, 1300 करोड़, तो ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% एक्सपेंसेस कंपनी अपने आप को कर रही है जो कि इनकी सेल्स जनरेट हो रही है दोस्तों उसके बाद। और दूसरी चीज अगर आप इनके नेट प्रॉफिट पे एक बार नजर डालेंगे तो दोस्तों आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 106 करोड़ का नेट प्रॉफिट, इसके पहले इनको -2 करोड़ का लॉस हुआ था। और सबसे बड़ा लॉस यहाँ पे दोस्तों मार्च 2020 के अंदर आप लोगों को रिलायंस पावर के अंदर देखने को मिला हुआ था। आप देखेंगे 4,000 करोड़ का यहाँ पे आप लोगों को लॉस देखने को मिला रिलायंस पावर के इस कंपनी के अंदर। इसका मेन रीज़न दोस्तों आप सभी को पता है कि कोविड-19 का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलजला चालू था मार्च 2020 के अंदर। वहीं पे मार्च 2019 की भी बात कर लूँ तो आप देखेंगे तो मार्च का जो इनका महीना होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे नंबर निगेटिव देखने को मिलते हैं। ये मार्च 2020 का अगर आप देखेंगे 4,000 करोड़ का लॉस हुआ। पिछली बार अगर आप मार्च 2020 की बात कर लेंगे तो 3,000 करोड़ का यहाँ पे 3,500 करोड़ का आसपास लॉस होता हुआ नजर आया। उसके बाद दोस्तों मार्च के आगे आने वाले जो भी यहाँ पे आप लोगों को क्वार्टर देखने को मिलते हैं उसमें कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट करते हुए नजर आती है। तो नो डाउट यहाँ पे दोस्तों मार्च का रिजल्ट इनका अच्छा आया, जो कि पहले आप देखेंगे मार्च में ये एक लगातार लॉस कर रहे थे, बट यहाँ पे कंपनी आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई 73 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए नजर आ रही है कंपनी। और यहीं पे दोस्तों अगर प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात कर ली जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यहाँ पे चलिए थोड़ा बहुत अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात किया, अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात कर ली जाए दोस्तों, देखिए मार्च 2021 के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने सेल्स जनरेट किया। एक्सपेंसेस की बात कर ली जाए तो दोस्तों 4,360 करोड़ के आसपास इन्होंने एक्सपेंस किया। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात कर लिया जाए तो आप देखिए 229 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई है। अगर 2019 और 2020 को लिया जाए तो दोस्तों आप लोगों को कंपनी 2019 में 3,000 करोड़ के यहाँ पे लॉस में थी। वहीं पे मार्च 2020 में आप लोगों को 4,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के अंदर लॉस देखने को मिल रहा था, बट अगर
लास्ट 2021 के अंदर देखेंगे तो 229 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आ रही है। नो डाउट देखिए कंपनी में दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोगों को दो साल में भले ही नेगेटिव नंबर देखने को मिले हैं, लेकिन अगर 2018 के पहले आप 2010 तक की कंपेयर करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को कंपनी लगातार यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 19 और 20 के अंदर जो इनको लॉस हुआ है, कुछ कोरोना केसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हुए इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे रिलायंस पावर को लॉस झेलना पड़ा। बट अभी देखिए जैसे ही कोविड को यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाया जा रहा है, कंपनी वापस से रिकवर होते हुए नजर आ रही है। 229 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आ रही है। और हम लोग यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आगे आने वाला जो ईयर रहने वाला है दोस्तों, रिलायंस पावर के लिए बेटर रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों को अगर इसी तरीके से यहाँ पे रिलायंस पावर में नंबर देखने को मिलेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, नो डाउट आप लोगों को यहाँ पे रिलायंस पावर का स्टॉक भागता हुआ नजर आएगा। अभी चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं किस होल्डर्स के पास। अगर देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स के पास बात कर ली जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 9% का यहाँ पे आप लोगों को स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात अगर आप लोग एक चीज देखेंगे दोस्तों, जो FIS और DIS यहाँ पे मार्केट को गिराते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉक जो पड़ा है पब्लिक के पास पड़ा है। आप देखिए 84% स्टॉक यहाँ पे रिलायंस पावर का पब्लिक के पास पड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर स्टॉक गिरेगा भी तो पब्लिक जब यहाँ पे पैनिक होकर सेल करना चालू करेगी उसके बाद ही, मतलब FIS और DIS की बस की बात नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को इस स्टॉक में गिरावट करते हुए नजर आ जाए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यही है कि दोस्तों आप लोगों को पब्लिक के पास यहाँ पे 84% का यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिलती है। और वहीं पे FIS की बात कर ली जाए तो 2.15% का यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है। DIS की बात कर लूँ तो 4.25% का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अच्छी चीज यही लग रही है कि यहाँ पे पब्लिक के पास सबसे ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी चलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंपनी है दोस्तों, आप लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड करती भी है कि नहीं करती, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा पब्लिक में, हमारे पब्लिक में सबसे ज्यादा यहाँ पे जो होल्डिंग है दोस्तों वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास, 5.1% का स्टेक यहाँ पे होल्डिंग है। और वहीं पे दोस्तों अगर यहाँ पे बात कर ली जाए प्रमोटर्स के पास जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है दोस्तों, रिलायंस ने खुद अपने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 6% का होल्डिंग यहाँ पे रखे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे दोस्तों अगर यहाँ पे डिविडेंड की बात कर ली जाए तो दोस्तों लास्ट डिविडेंड जो कंपनी ने प्रोवाइड किया था 19 नवंबर 2015 को प्रोवाइड किया था दोस्तों, 10% का यहाँ पे डिविडेंड दिया गया था, 1 रुपीज पर शेयर आप लोगों को यहाँ पे डिविडेंड देते हुए नजर आई थी रिलायंस पावर की ये कंपनी। तो नो डाउट देखिए दोस्तों रिलायंस पावर अभी पहले के टाइम पे हमने देखा कि आप लोगों को ऑलमोस्ट 2 साल से यहाँ पे लॉस करते हुए नजर आ रही थी रिलायंस पावर, बट अभी इनका जैसे ही क्वार्टर का रिजल्ट आया है अच्छा नजर आते हुए नजर आ रही है। 2018 के पहले अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपनी लगातार यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आई थी। तो दोस्तों ये चीज है, आप देखिए मैंने आप लोगों को सारी चीज बता दी है रिलायंस पावर के स्टॉक के बारे में। आई होप दोस्तों आपको आप देखिए जो मैंने बताई है, अब आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना यह आपको खुद से डिसाइड करना होगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने हर एक जानकारी तक पहुंचाई है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।